तो इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी, आपने मेरे कार्यक्रम में उन्हें बहुत बार देखा होगा, मेरे भाई की तरह थे, बहुत नज़दीकी थे, उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल ले जाया गया था उन्हें, क्या कुछ जानकारी मिली? संवित, आपके साथ डिबेट चल रही थी, 5 बजे आप एक चैनल पर थे, राजीव आपके साथ डिबेट कर रहे थे, शॉकिंग मतलब ये खबर, और युवा थे वो। देखिए संदीप भाई, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बीच डिबेट में ही जब ये मुझे खबर मालूम पड़ा, उसके बाद से मैं डिबेट भी सुन नहीं पा रहा था, मैं विश्वास भी नहीं कर पा रहा हूं, अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। अब से चंद घंटों पहले 5 बजे मेरे साथ आज तक भी वे डिबेट में थे, मुस्कुराते हुए डिबेट में थे और पूरे हेल्दी नजर आ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही, हम भले ही टीवी पे लड़ते हों ये अलग विषय है, मगर बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा है और मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या कहूं। अक्सर हम मिला करते थे और मैं बताऊं, ये सब इनके आम के बगीचे थे, और हर किसी को, चाहे आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, चाहे आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, सबको आम खाने पे इनवाइट करते थे, आम खिलाते थे। मैं आज सिर्फ गोविंद से इतना ही प्रार्थना करूंगा, जन्माष्टमी है, कि हे गोविंद, अब हमारे इस मित्र को अपने चरणों में स्थान देना, ये अविश्वसनीय है, ये अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। वाजपेयी जी भी बैठे हैं, हम सब कितनी बार न जाने चाय पिए होंगे आपके स्टूडियो में बैठकर। बिल्कुल, और आम की आपने मुझे बात पता की, नहीं इस बार आम, क्योंकि आम पार्टी नहीं कर पाए तो घर में आम भेजे उन्होंने बाकायदा, और एक बार नहीं दो दो बार भेजे। संजीव, कैसे हुआ ये, क्या जानकारी मिली? देखिए, जानकारी यही है कि 5 से 6 के बीच एक टीवी चैनल में स्टूडियो डिबेट था, उस डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया, और जैसा कि बता रहे हैं संबित पात्रा, उसमें वो भी मौजूद थे, और उसके बाद उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी। गाजियाबाद में उनका रेसिडेंस है, और वहां से उन्हें पास के यशोदा अस्पताल में ले जाया गया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो डेड ऑन अराइवल थे, वहां पहुंच भी नहीं पाए, उनका इलाज नहीं किया जा सका क्योंकि वो मृत हो गए थे। और ये अपने आप में बहुत ही शोक की लहर छोड़ गया है पूरे समुदाय में, जो पत्रकारों का है, जो प्रवक्ताओं का। ये खबर अब से कुछ देर पहले कंफर्म किया है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया डिपार्टमेंट ने भी, और सब लोग उनके रेजिडेंस की तरफ जा रहे हैं अपना शोक व्यक्त करने के लिए। बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे, और हम